जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं कैंसर के विषय में कि कैंसर कितने प्रकार के होते हैं, कैंसर होने का कारण क्या होता है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि एक बात बताइए, कैंसर का खोज सबसे पहले किसने किया, देखिए कौन थे, हिप्पोक्रेटस। पता कब लगाया इन्होंने, तो 460 से लेके 370 ईसा पूर्व। देखिए ईस्वी से पहले ईसा पूर्व चलता था, इसलिए हम इसे उल्टा लिखते हैं, यानी 460 से लेके 370 ईसा पूर्व किसने पता लगाया, तो हिप्पोक्रेटस ने। देखिए जो कैंसर होता है ना, ये 100 प्रकार का होता है, इससे भी ज़्यादा हो सकता है, लेकिन मेनली हम 100 प्रकार मानते हैं, लेकिन उसमें भी तीन टाइप का होता है। लेकिन अगर आपसे पूछता है कि कैंसर होने का कारण क्या होता है, देखिए सबसे बड़ा कारण क्या होता है, देखिए कोशिका का असामान्य रूप से बनना। एक बात बताइए बाबू, हमारा शरीर क्या है, तो लाखों करोड़ों कोशिका से मिलकर बना है। जब हमारे कोशिका में असामान्य कोशिका बनने लगा, तो घंटा पता चलेगा कि बनना चाहिए 10 ठो, बनेगा 20 ठो, तो हमारे शरीर के लिए क्या करता है, खराब कर देता है। तो कैंसर का सबसे मुख्य कारण क्या होता है, जब हमारे शरीर में कोशिका असामान्य रूप से बढ़ने लगती है, तो कैंसर का कारण होता है, समझ में क्या। लेकिन देखिए इसमें तीन टाइप का मुख्य होता है। पहला क्या होता है, सार्कोमा कैंसर। अब हम ही समझते हैं कि सार्कोमा क्या होता है, तो ध्यान समझिए। देखिए ये भ्रूणीय मीसोडर्म से होता है, और खास करके अस्थि और पेशी में होता है। अस्थि का मतलब क्या होता है, हड्डी, यहाँ पे समझिए, हाई हड्डी हो गया। तो जब किसी को हड्डी और पेशी में कैंसर हो जाता है, तो समझ जाएगा कि उसको कौन सा कैंसर हो गया भैया, तो सार्कोमा, समझ में आ गया। अब हम ये समझते हैं कि मीसोडर्म क्या होता है। देखिए फेफड़े, हृदय, जनन अंग, पीलिया, वृक्क, अमाशय, यकृत, ये सब का क्या होता है, ये जनन कोष का होता है। अब एक चीज़ बताइए, ये होता है जनन कोष का। अब इसी में जब गड़बड़ी हो जाएगा, तो क्या हो जाता है, आदमी को कैंसर हो जाता है। और पहले ही हम आपको बताया कि भैया जब हमारे शरीर में कोष का बहुत ज़्यादा बनने लगता है, तो कैंसर हो जाता है। तो देखिए जब मीसोडर्म क्या होता है, इन सब का क्या होता है, जनन कोष का होता है। और जब इसी में दिक्कत हो जाता है, इसी में क्या, कोष का जब बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है, तब कौन सा कैंसर होता है, तो सार्कोमा। ये हो गया पहला। दूसरा क्या होता है, देखिए कार्सिनोमा। कार्सिनोमा में क्या होता है, देखिए त्वचा हो गया, फेफड़ा हो गया, अस्थन हो गया, अमाशय, अग्नाशय, यहाँ पे समझिए, भाई फेफड़ा हो गया, अस्थन हो गया, तो जब फेफड़ा में, अस्थन में, अमाशय में, अग्नाशय में कैंसर हो जाता है, उस कैंसर को हम क्या बोलते हैं, तो कार्सिनोमा बोलते हैं, समझ में क्या। तीसरा होता है ल्यूकीमिया कैंसर। सबसे खतरनाक यह कैंसर होता है, इसे हम क्या बोलते हैं भैया, तो ब्लड कैंसर हो जाता है। ब्लड कैंसर होता कहाँ है, देखिए जब ल्यूकोसाइट WBC में अत्यधिक हो जाता है ना, तब आदमी को क्या हो जाता है, तो ब्लड कैंसर हो जाता है। हम मान लीजिए हमारे देहात में ना, अगर जब किसी को कैंसर हो जाता है, अगर उसका उम्र ज़्यादा हो जाएगा, तो सब लोग कहते हैं अरे भगवान जल्दी से मर जाता तो ठीक होता। अब देखिएगा अगर कोनो हो जाएगा ना, आप बीड़ी पिएगा, सिगरेट पिएगा, एकदम आएगा खोकर, उसकी पत्नी कहती है अरे बाप बाप, अरे बीड़िया पियता आवे धुआवा उड़त खो खाते आवे ना, हमरे सयाजी दमहावा खो खाते आवे ना। तो देखिएगा जब आदमी खोंकता है ना, तो जिसको ब्लड कैंसर हो जाता है बेचारे, जब क्या होता है, ब्लड निकलता है, तो उसे समझिए क्या हो गया भैया, तो ल्यूकीमिया। यानी जब खोंकते समय चाहे किसी भी तरह से मुंह से ब्लड आता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ल्यूकीमिया कैंसर बोलते हैं। और सबसे खतरनाक कौन होता है, तो यही कैंसर होता है। तो ये मेनली क्या होते हैं, तीन प्रकार के कैंसर होते हैं जो सबसे ही खतरनाक होते हैं, और वो तीनों में से सबसे खतरनाक कौन होता है, तो ब्लड कैंसर होता है। इतना आपको समझ आ गया। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम ये समझते हैं कि होने का कारण क्या होता है। चलिए चलिए अब समझते हैं कि कैंसर होने का कारण क्या होता है। चलिए ध्यान समझिए। देखिए पहला कारण क्या होता है, तो धूम्रपान। तो आप जब भी गुटखा खाइएगा चाहे सिगरेट पीजिएगा, तो उस पर लिखा होता है कि धूम्रपान सेहत के लिए खराब होता है, लेकिन कोनो मन बनाई करता कहते भाग तुर के जिंदा दिन का जिंदगी जी लेंगे, तो क्या होता है भैया, धूम्रपान से, देखिए जब सिगरेट पीजिएगा, बीड़ी पीजिएगा, तो कैंसर कहाँ कहाँ होता है, देखिए मुख में हो जाता है, गले में हो जाता है, फेफड़े में हो जाता है, मूत्राशय में, यानी यहाँ पे समझिए। देखिए बाबू हई मुख के गले में हो जाएगा, फेफड़े में हो जाएगा, मूत्राशय में हो जाएगा, यानी जब आप क्या करते हैं, धूम्रपान का सेवन करते हैं, तो इन जगहों पे क्या होता है, कैंसर हो जाता है, समझ में क्या। अगला देखिए तंबाकू से, जैसे पान खाइए, सुपारी खाइए, तो जब आप पान और सुपारी खाते हैं, तब भी क्या होता है, आपको कैंसर हो जाता है। अब देखिएगा जब पान खाएगा सब एक एक किनारे ला देगा, काऊँ काऊँ खोपने की कूदता है, आप सुपारी खाइएगा, ये शुद्ध प्लस हो गया, कमला पसंद हो गया, आर्ज हो गया, तो खूब ज़्यादा सब मिलाता है, आज ज़्यादा मिला के खूब एक कदर ही कूदता है,
अरे बड़ा मज़ा आ रहा। तो जैसे आप क्या करते हो, तंबाकू का सेवन करते हो, पान खाते हो, सुपारी खाते हो, तब कहाँ कहाँ कैंसर होता है देखिए, जीभ में होता है, गुर्दा में होता है, अग्नाशय में होता है, उसे हम क्या बोलते हैं तो पेनक्रियाज बोलते हैं। यानी जब तंबाकू खाने से हमको कैंसर हो जाता है उसे हम क्या बोल सकते हैं, पेनक्रियाज कैंसर भी बोलते हैं। समझ में आ गया। अगला देखिए, शराब पीने से। देखिए शराब पीने से कहाँ कहाँ कैंसर होता है, तो श्वास नली में हो जाता है, भोजन के नली में होता है। देखिए इसी रास्ते से जाता है ना, जब पीजिएगा यही रास्ते जाएगा, भोजन के नली में जाएगा, श्वास के नली में जाएगा, तो श्वास के नली में और भोजन के नली में क्या होता है, शराब पीने से कैंसर हो जाता है। इसी जो महिला सब कहती है अरे राजा कहियो माहुर खा के मर जाइब, आ शराब ना पियल छोड़बा ते कुछ करी जाइब। तो क्या होता है, जब आप शराब पीजिएगा तो श्वास नली में भोजन नली में क्या होता है बाबू, कैंसर हो जाता है। अगला देखिए, रासायनिक का प्रयोग करने से, जैसे कैफीन हो गया, निकोटीन हो गया, इन सब का प्रयोग करते हैं तब भी आपको कैंसर हो सकता है। देखिए सूर्य के प्रकाश से भी कैंसर हो जाता है, विषाणु से हो जाता है, सर्जरी से होता है। सूर्य का प्रकाश देखिए, जैसे पराबैंगनी किरण आपके त्वचा पे पड़ेगा ना, तब भी आपको कैंसर हो सकता है। तो करिया आदमी के लिए थोड़ा फायदा होता है, कहाँ होता है, जो करिया आदमी रहता है ना उसका चमड़ा थोड़ा मोट होता है, लेकिन जो मुर्गा का छीला रहता है एकदम गोरहर गोरहर, उन लोगों में ज़्यादा संभावना होता है। किसके कारण, सूर्य के प्रकाश के कारण, विषाणु के कारण, और कोनो वायरस वायरस आ गया उसके भी कारण आपको कैंसर हो सकता है, सर्जरी के कारण। आप कहिएगा कि सर्जरी के कारण क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपका कहीं सर्जरी हुआ, चाहे पेट में चाहे हाथ में, अगर उस सर्जरी ठीक नहीं हो रहा ना, तो पता चलेगा कि धीरे धीरे मवाज बनाएगा, आप ठीक करवाएगा फिर बनाएगा, उसके कारण भी क्या होता है, धीरे धीरे कैंसर हो सकता है। ये सब क्या होते हैं बाबू, ये कैंसर के कारण होते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैंसर मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, सबसे खतरनाक कौन होता है, और कैंसर होने का क्या क्या कारण होता है। समझ में आ गया। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।